बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मेरे तीन दोस्त साफिन शहजाद, जुएना सिद्दीकी, सनान शहजाद। और आप सब देख रहे हैं चटखारे और इंजॉय भी कर रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने शेफ के साथ और हमारी रेसिपीज के साथ। आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। आज भी हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी सी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, जो कि यूँ बनेगी, है ना। और कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी और आप लोग सीखेंगे, ठीक है। आज हम बना रहे हैं कीमे और नूडल्स के बॉल्स, कीमा नूडल्स के बॉल्स बना रहे हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। नूडल्स तो हमारे फेवरेट है, ऐसा क्या बनेगा? ना, बच्चे तो नूडल्स ऐसे ही खाते हैं। ऐसा क्या बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा, बॉल्स बनेंगे उसके, बहुत जबरदस्त सी बनेगी। तो बस हम स्टार्ट करते हैं। स्पाइसी थोड़े थोड़े से स्पाइसी होंगे, ज्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। पर बच्चों को यही एक प्रॉब्लम होती है कि स्पाइसी ना हो, तो कोई बात नहीं, हम स्पाइसी नहीं बनाएंगे। इन दोनों की वजह से स्पाइसी। हाँ, थोड़ा सा दूर हट जाए। मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। हाँ, बस इसलिए दूर हटना चाहिए, मुझे भी खुद को भी बहुत डर लगता है और डरना भी चाहिए, क्योंकि जब हम आते एहतियात के साथ। हाँ, अब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी 1 टेबल स्पून, ज्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और डालडा पे एतमाद माओ का 80 साल से भी ज़्यादा का है, क्योंकि डालडा ने अपनी क्वालिटी को और इसके मयार को हमेशा बढ़ाया है। और डालडा लाया है, बस मैं रख रही हूँ ना, डालडा लाया है न्यू पैकेजिंग रेंज रमज़ान में आम सार्फिन के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। डालडा कुकिंग ऑयल जो है मैंने ये शामिल कर दिया है, लेकिन बच्चे मुझे इतना परेशान करते हैं कि मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती है, लेकिन मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकली। खाना भी स्टार्ट नहीं किया बनाना, तो चलते हैं हम हैंड वॉश की तरफ। सबसे मैं पहले चलती हूँ डेटॉल के काउंटर की तरफ और अपना हाथ धोती हूँ, फिर वन बाय वन बच्चे जो हैं वो हैंड वॉश करते रहेंगे। अच्छी तरह से आपने हैंड वॉश करना है। अभी स्नान मुझे तो करने दें, स्नान बस जल्दी से मेरे पीछे आ गए। जब तक ये बच्चे हैंड वॉश करेंगे, फिर मैं अपनी कुकिंग की तरफ चलती हूँ, ठीक है। टाइम नहीं लगाइएगा बच्चों, और अच्छी तरह से हैंड वॉश कीजिएगा। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना आप लोगों ने, यानी कि बहुत, अरे भाई सिनान का तो हाथ ही नहीं जा रहा, इतने छोटू से हैं, तो मैं इनकी हेल्प के लिए आ जाती हूँ। सिनान, ठीक है भाई, ये देखिए, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी हेल्प करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे खड़े हो जाए जी, बस यहीं पर खड़े हो जाए। मैं आपको दे देती हूँ, टिश्यू पेपर दे देती हूँ। ये हलचल तो मेरे किचन में लगी रहती है। और अब साफिन हैंड वॉश कर रहे हैं, जब ये हैंड वॉश कर लेंगे तो फिर हम हमारी कुकिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी तो सिखाना है ना, हेल्प भी लेनी है, सिखाना भी है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑयल जो है इसको हटा देती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर ले। हो चुका तीनों का काम, आ जाए अब ड्राई करें अपने हाथों को। साफिन हो चुका है, बस साफिन कर रहे हैं, बस थोड़ी सी देर है, उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कि मैं स्टार्ट कर भी दूंगी तो फिर साफिन को शिकायत होगी कि मैं नहीं आया तो आपने कुकिंग कैसे स्टार्ट की। और इनको सिखाना भी है, क्या हुआ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप हैंड वॉश करके डिटॉल से। अच्छा लग रहा है, कूल कूल सा लग रहा है ना, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और इसके साथ मेंथॉल की जो बहुत प्यारी सी खुशबू है, उसके साथ करता है 99.9% जिरासीम से खात्मा। तो चले आए हम, खुशबू बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, आपको अच्छी लगती है? हाँ वाकई में खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कीमा रखा हुआ है, ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत से भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अब हमारी रेसिपी जो है वो बहुत से भी ज्यादा 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 अच्छी होने वाली है। कीमा मेरे पास यहाँ पर रखा था फाइन, बिल्कुल हमने इसको चॉप किया हुआ कीमा मेरे पास है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये थोड़ा पकेगा, इसके बाद पानी को हमने ड्राई करना है, कीमा जल्दी गल जाता है। साथ ही साथ मैं साफिन, मुझे आप स्पून दे दें, सही है साफिन, स्पून दे दें मुझे। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है चिकन पाउडर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून भर के। इसके साथ चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, और कुटी लाल मिर्च ये भी मेरे पास है 1 टीस्पून, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और यहाँ पर ये क्या है, गार्लिक चॉप किया हुआ फाइन, मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी। और सॉल्ट, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये 1/2 टीस्पून, सही, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब ये भून रहा है जब तक अच्छी तरीके से, ये हल्का सा थोड़ा सा ब्लैक हुआ, मैंने देखा नीचे से इसके अंदर ब्लैक थोड़ा सा आ रहा था, ब्लैक नहीं आ रहा ना, ये पक रहा है, जब कीमा पकता है इसका पानी ड्राई होता है, ब्राउन हो जाता है, ये ब्लैक नहीं होता, चिकन बन जाता है।
चिकन तो नहीं बनता ये कीमा, लेकिन इसके अंदर हमने चिकन पाउडर डाला है। चिकन जैसा बन जाता है, चिकन की खुशबू आएगी, चिकन जैसा बन जाता है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, अच्छी आ रही है ना। अच्छा, जब तक ये हमारा भुन रहा है, पक रहा है, तो मैं आपको, ये मेरे पास नूडल्स हैं, मैं इसकी तरफ लेके चलती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने डालडा कुकिंग ऑयल जो है 1 टीस्पून ऐड कर दिया, और नूडल्स थे इसके अंदर ऐड कर दिए, और नूडल्स को मैंने पकाया। जब वो सॉफ्ट हो गए तो उसको मैंने पानी में से निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया, उसका सारा पानी निकाल दिया। इस तरह से नूडल्स मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है, जब कीमा बन जाएगा तो फिर हम कीमे को नूडल्स के अंदर शामिल करके फिर हम इसको, इसकी कोटिंग करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं कीमे की तरफ। कीमे को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस ये अच्छी तरह से बन जाए, पानी इसका ड्राई हो जाए, और उसको ठंडा करने के बाद फिर हम इसको नूडल्स के अंदर शामिल करेंगे। आपको पसंद है, बीफ पसंद है, चिकन पसंद है, क्या पसंद है? दोनों पसंद है, कीमा सब पसंद है आपको। और सिनान, आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छी खुशबू आ रही है ना। अच्छा, रमजान में जब कुकिंग हो रही होती है, पास्ता भी अच्छा लगता है। रमजान में जब कुकिंग हो रही होती है, किचन से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। बनाएंगे हम सारी चीजें, फ्राइज भी बनाएंगे, हम सारी चीजें बनाएंगे। बस जब से बच्चे मेरे साथ किचन में खड़े हुए ना, उनके फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं इतनी सारी डिशेज बना चुकी हूँ, लेकिन ये हर रोज कहते हैं कि आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने ये क्यों नहीं बनाया। ये भी आपके घरों में होता है ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप कोई अच्छी से अच्छी चीज वही बनाती हैं आप, मैं आप खाते तो हैं आप, देखिए सारी चीजें खा के मुझे कहते हैं कि जो हमने नहीं खाया वो बनाते हैं। ये कोई बात हुई, सारी चीजें तो ये खा लेते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। जब मैं बना रही होती हूँ, इफ्तार में तो हम खाएंगे ना। इफ्तार का टाइम कब होगा? जब मगरिब की अजान होती है तो फिर इफ्तार का टाइम होता है। फिर पहले हम दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद फिर हम इफ्तार करते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो वेट करना पड़ता है। जब हम वेट करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं कि देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी रोजे में। अगर आपने रोजा नहीं भी रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, वक्त बस थोड़ा सा पकेगा, ये पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। आप भी रोजे रखते हैं? वाह माशाल्लाह, पहले से हो गई है। हाँ ये सही बात है, लेकिन छोटे बच्चों को ना छोटा रोजा रखना चाहिए, सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। छोटा रोजा रखती हैं आप? छोटा रोजा मैंने बस ना प्रैक्टिस रोजा जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस रखा था मैंने, वो कल रखा था। तो मैंने बस ना जब मैं सोकर उठी थी ना, तो फिर उसमें मैंने बस आधा है ना दोपहर को खाया था, फिर आधा मैंने वो अफ्तारी में खाया था, फिर उसके बाद आधा मैंने नहीं खाया। अच्छा रोजा है, तीन रखा था ना, शाम तक बर्दाश्त कराता, बर्दाश्त बहुत ज्यादा है सिनान में। और ज़ुहैना का रोजा कितना अच्छा है कि तीन टाइम खाना खाया लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया, तो ये भी तो रोजा हुआ ना, प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाया, सही है, थोड़ा थोड़ा खाया, तो ये प्रैक्टिस हो गई। और ऑयल यहाँ से निकल रहा है, कीमा हमारा बन चुका है और नूडल्स भी तैयार हैं। अब कीमे को मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं नूडल्स के अंदर शामिल करूँगी, और बाकी जितने भी हमारे इन्ग्रीडियंट हैं उसको मैं हटा दूँगी ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाऊँ। ठंडा हो चुका है हमारा ये, और हमने इसे बॉल्स बनाना भी शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया ताकि हमारा काम जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। और मुझे बच्चों ने इतना परेशान किया था कि मैं बॉल्स बनाऊंगा, मैं बॉल बनाऊंगी, मैंने कहा नहीं भाई मैं ही बनाऊंगी, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हमने बनाना है। तो मैंने बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं दिया, इसको आप बॉल्स बना लें, आप किसी भी कबाब का शेप दे दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैंने सोचा मैं डालूंगा, देखें ये बस ये चीज़ें होती हैं ना, शुरू हो जाती हैं, इसको बहुत एहतियात के साथ बनाना होता है ताकि ये बॉल्स जो है हमारे टूटे नहीं। मैं थोड़े से बना के आपको दिखा देती हूँ, तो इसके बाद हमने किस तरह से कोटिंग करनी है, किस तरह से फ्राई करना है। ऑयल भी हमारा गर्म हो जाए, डालडा कुकिंग ऑयल जो है पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। सिनान आप इतना शोर कर रहे हैं, क्या हुआ, हाथों को कंट्रोल नहीं है? बच्चों के हाथों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, कभी इस चीज़ को छेड़ रहे होते हैं, कभी उस चीज़ को छेड़ रहे होते हैं। मैं इनको मना कर करके थक जाती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं सुन लें कभी भी नहीं सुनते। ठीक है, तो ये मैंने बॉल्स बना ली, कितने बॉल्स बनाऊँ? एक ज़ुहैना खाएंगी, एक सिनान खाएंगे, और साफिन भी खाएंगे। दो, मेरे भी दो दो, शुक्र है। मेरा ख्याल आपके तीन, मेरा ख्याल तो आ गया बच्चों को कि भाई आप इतनी मेहनत करती है तो आपके भी होने चाहिए। आप थोड़े से ज्यादा ले, मैं दोनों से ज्यादा ले लेती हूँ।
नहीं नहीं वो आप ज़्यादा खा लें क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रही होती हूँ, ठीक है, और आपके लिए भी कर रही होती हूँ ताकि आप सीखें और फिर आप हमें दुआएं दें कि इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी, इतनी जल्दी वाली रेसिपी हमें सिखाई जा रही है रमज़ान और मुबारक के महीने में। अच्छा ये बॉल्स बन चुके हैं और मेरे पास यहाँ पर है आपने शहरी मैं आपको मिनी रोटी खिलाऊंगा। आपने बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था आपने। और यहाँ पर मैंने, यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर से मैंने इसके अंदर कोटिंग कर ली अच्छी तरह से। अब मेरे पास यहाँ पर है एग्स, हाँ उसके अंदर भी मैंने कोटिंग करनी है। और इसको देखें इस तरह से मैंने कोटिंग करनी है और मैंने इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह इसके अंदर ना जब ये डाला, हाँ इसके अंदर वाइट, इसके अंदर ये डाला था ना बिल्कुल अंडा जैसा लग रहा था। अच्छा इस तरह से वन बाय वन हमने बॉल्स को फ्राई करना है। कीमा हमारा ऑलरेडी कुक था, इसके अलावा नूडल्स हमारे पास कुक थे, तो हमने जस्ट इसको कलर देना है, फ्राई करना है। और इस तरह से आप कोटिंग करते जाएँ और उसको फ्राई करते जाएँ और देखिए इतने अच्छी शेप में ये बन जाएंगे। उसको आप फिर सर्व करें जिस तरह से बच्चे वैसे भी खाना चाहते हैं, तो आप इसको खिला दें किसी सॉस के साथ खाना चाहते हैं। हाँ ये तो बनेगा ना, अभी ये फ्राई हो रहा है, एक एक करके हम बना रहे हैं और ये जब तक बनते हैं हम हमारा काउंटर साफ करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चले सेकेंड रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा यम्मी है और बच्चों को पसंद होती है, बड़ों को पसंद होती है। बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, चॉकलेट अच्छे लगता है, चॉकलेट केक अच्छे लगते हैं, ब्राउनी अच्छी लगती है, बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कोई रेसिपी बनाई जाए और बहुत इंस्टेंट हो कि तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। आज हम बच्चों बना रहे हैं चॉकलेट बॉल्स, चॉकलेट बॉल्स बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको हम जल्दी से इसकी तैयारी कर लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास है, मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट केक्स जो कप केक है वो मैंने ले लिए हैं इसमें और इसको मैंने अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है उसको। और उसके बाद मुझे स्पून दे दें, बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी। अच्छा बटर है, बटर का मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून ही बटर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 3 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, हाँ देर भी नहीं लगेगी इसमें। 3 चीज़ें हैं बस, 3 चीज़ें फोर है उसको गार्निशिंग के लिए। पिस्ता है, कोका पाउडर, कोको पाउडर मेरे पास है, मैं 1 टेबल स्पून, ये टी स्पून है तो 2 टाइम डालूंगी तो क्या हो जाएगा 1 टेबल स्पून। और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, सही है, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। नहीं मैं मिक्स कर देती हूँ, ठीक है, गिर जाएगा। बच्चे जो है ना बहुत टाइम लगा लेते हैं, काम करते ही नहीं है सही तरीके से, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँगी। आप जिस दिन मुझे आज बहुत तंग करते हो ना, मुझे बहुत परेशान करते हैं किचन में, जब भी आते हैं शोर मचाते रहते हैं, कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको है ना थोड़ी सी सजा दूँगी आज, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सही है। अब थोड़ा सा मैं इनसे नाराज़ हो गई हूँ, नाराज़ हो गई हूँ, सॉरी बोलो, आप मुझे तंग नहीं करेंगे। आपने बोला था नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी क्योंकि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं और हमारी कुकिंग को मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी वाली कुकिंग आपको सिखाऊं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतना लंबा कर देते हैं कि टाइम मेरा ज़ाया होता है। अच्छा मेरे हाथ जो थे वो अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इसके। बॉल्स बनाने के बाद बस ख़त्म, और इसको हमने किससे गार्निश करना है, पिस्ता के साथ, चॉकलेट बटर नहीं, मैं अभी बना रही हूँ फिर आप बातें बनाइएगा, पहले मैं बना लेती हूँ फिर आप बना लीजिएगा, ठीक है। पैन मेरा वॉश था, अच्छी तरीके से इसके बॉल्स बनाएंगे, ये पहले हम सीख तो ले फिर देखिए, तो इन्होंने कितनी अच्छी बात की, पहले हम सीख तो ले उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये बॉल्स तैयार है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बॉल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पिस्ता इसके ऊपर मैं यहाँ रख देती हूँ ना, ये हमारा खाली है तो सामने से नजर आएगा, उसके ऊपर पिस्ता रख देती हूँ, ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरा बॉल नहीं मैं बना देती हूँ, हेल्दी भी है, हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको बना के रख दें, बच्चों को दें, अच्छा लग रहा है ना, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। हैप्पी फेस ही बना, वो भी मैं बना लूँगी ना, वो आपके पास मोल्ड होते हैं, आपके पास कटर्स होते हैं, उससे आप बना सकते हैं। ये बच्चों को काम दे दें, जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहे हों तो आप ये काम इनको दे दें, बस मैं इसको बना लूँ फास्ट फास्ट और ये बहुत इजीली बन जाता है। दो बंटी हो जाए और ऊपर ये पिस्ता बदाएंगे ना, हाँ हाँ, पिस्ता इनके बाल बन जाएंगे और ये बंटी ना इनकी आंखें, बिल्कुल सही। तो चलें बस मैं ये सारे बॉल बना लेती हूँ और अपना काउंटर साफ करती हूँ, तो मिलते हैं। लास्ट में बना रहे हैं ड्रिंक,
जो कि बहुत ही अच्छी है। आप इसे पी के रिफ्रेश हो जाएंगे अफ्तार में, लाजमी इसको बनाएं। और आज हम बनाने वाले हैं पीना कोलाडा। अच्छा, मैंने ये बच्चों को बताया नहीं था, क्योंकि जब बच्चों को बताती हूँ ना तो इतना शोर मचाते हैं कि मेरे कान में ना तकलीफ होना शुरू हो जाती है। पीना कोलाडा बनाएंगे, वो भी घर में बनाएंगे और सबके लिए बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, जैसे कि मैं आपको बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी बताती हूँ। देखे बस इसको, इतना सा काम है, इसको ब्लेंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी मिल्क, नॉर्मल मिल्क हमारे पास होता है वो मैं इसमें लूंगी। इसको मैंने गरम कर लिया, हाँ मिल्क ले लूंगी। मिल्क मैंने गरम कर लिया, गरम करने के बाद मैंने ठंडा किया, ठीक है साफिन, और थोड़ा सा सही खड़े हो जाए साफिन, सही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी कोकोनट मिल्क पाउडर, वो बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, आप उसको ले लें, स्पून दे दें। और मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, 2 टेबल स्पून मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दिया। और उसके साथ साथ पाउडर शुगर, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको आप बना के रखें तो जल्दी से ये मिक्स हो जाती है। हाँ जी, तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अभी से इतना अच्छा लग रहा है, अभी से अच्छा लग रहा है। मेरे पास दो तरह के पाइन एप्पल जूस, वो मैं डाल दूंगी 1 कप। और मेरे पास ये एप्पल जूस, यस वो भी 1 कप, ये मैंने ऐड कर दिया। एप्पल जूस साफ़न भाई को और मुझे पसंद है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास पाइन एप्पल जो है रखे हुए, वो मैं ग्लास में मैं इसको गार्निशिंग के लिए रखूंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप रखेंगे, अब हम चलाएंगे ये जूसर ब्लेंडर। हो गया इतनी सी देर, कितना आसानी से हो गया ना बच्चों, बस हो गया, थोड़ी सी देर में हो गया, सारी चीजों को ब्लेंड करना था। तो काम पाइनएप्पल डालने बस बन गया, पाइनएप्पल डालना है सिनान को, बस जल्दी से बस पीना है। लेकिन ये सबको मिले, कितना सारा बन गया, कितना सारा बन गया, आप सबने दो दो ग्लास आप इसको पियेंगे, ठीक है, दो दो ग्लास। और कितना अच्छा इसके अंदर देखिए क्रीम कितनी अच्छी इसके ऊपर आ गई है, जो हमने कोकोनट पाउडर ऐड किया वैसे ही आ रही है ये क्रीम आ रही है, बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है। ये सिनान को सारी चीजें पता होती है किससे गाढ़ा हो रहा है, किससे इसका क्रीम ऊपर आ रही है। ये ग्लास हो चुका है, अब भी थोड़ी, अरे अफ्तार में पियेंगे, रोजा नहीं है ना, तो नहीं फिर भी देखो ये बुरी बात होती है, आपका रोजा है चाहे आपका रोजा नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अफ्तारी सबके साथ करनी है, उससे क्या होता है सवाब मिलता है, सवाब मिलता है ना, सारे घर वालों के साथ अफ्तार करें आप। जब हम रोजा नहीं रखते तब है ना टाइम जल्दी गुजर जाता है, जब हम रोजा रखते तब टाइम लेट। इसका पता है क्या रीजन है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो घर के काम तो नहीं करते, छोटे बच्चे तो बैठे हुए होते हैं, अगर आप घर के काम करें अपनी मामा की तरह तो आपका टाइम जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगा, आपका टाइम छोड़ दें। अच्छा, खुशबू आ रही है, हमने यहाँ पर ये बना लिया है। और मेरे पास ये कोकोनट है, इसको मैं कर लेती हूँ ना, कोई बात नहीं, आप करेंगे तो फिर ये दोनों फिर शुरू हो जाएगी बातें ना, फिर कहेंगे हमने भी करना है, हमने भी करना है। पीना कोलाडा इसमें हमने बना लिया है, कितना जल्दी से बन गया। और आपने गलती से कोकोनट, अच्छा कोकोनट बोल दिया था, सॉरी। देखिए बच्चे मेरी गलती पकड़ते, इतना मेरा दिमाग खराब करते हैं ना, मैं क्या से क्या बोल देती हूँ। पीना कोलाडा है ये, और मैंने इसमें पाइनएप्पल इसके साथ इसको गार्निश किया है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों देखें, हमने ये सारी तैयारी कर ली है, आज की सारी डिशेज हमने बना ली है, और बर्तन कितने गंदे हो चुके हैं, तो अब क्या करती हूँ मैं, इसको सिंक की तरफ लेके जाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। चलें आप मेरे साथ। अफ्तार की मैंने तैयारी कर ली है सारी, और बर्तन इतने सारे चिकने हो चुके हैं, अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है लेमन मैक्स लिक्विड। लेमन मैक्स लिक्विड लाया, बचत रेसिपी के साथ 3 गुना ज़्यादा ग्रीस कटिंग पावर, 3 गुना ज़्यादा बचत, और 3 गुना ज़्यादा सफाई। लेमन मैक्स लिक्विड के एक ही ड्रॉप से गहरी से गहरी चिकनाई कर देता है मिनटों में साफ, और वो भी लेमन मैक्स स्क्रब के साथ, जिसमें है ग्रीस कटिंग पावर, बहुत ही ज़्यादा। हो गए हमारे बर्तन साफ, बर्तनों की तो सफाई करता ही है, साथ में हमारे हाथों की हिफाजत भी करता है। हो गए हमारे बर्तन क्लीन, और अब हम चलते हैं हमारे किस्से की तरफ।
बच्चों आज का जो किस्सा है बहुत ही अच्छा किस्सा है, सारे किस्से ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज का जो किस्सा है वो नन्हे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जब वो बहुत छोटे से थे और उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। इस किस्से में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सबर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई, जुदाई कहते हैं कि वो खो गए थे, वो किस तरह से खोए थे, क्या हुआ था उनके साथ और उनके जो अब्बू हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी क्या हालत हुई थी, वो अपने बेटे की जुदाई में उनके बेटे खो चुके थे और वो इतना रोते थे, इतनी अल्लाह से दुआ करते थे। तो आज का जो किस्सा है मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आपको सुनाऊंगी। वैसे कुरान शरीफ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बहुत ही बड़ा किस्सा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके सुनाएंगे और आगे भी इंशाल्लाह हम इस किस्से को सुनाते रहेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे और उनके वालिद हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके वो लाडले थे। तो उनके जो दूसरे बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 11 भाई थे वो कहते थे क्यों हमसे नहीं करते, ये यूसुफ से क्यों करते हैं। तो फिर वो ना थोड़ा उनको जेलसी होने लगी, जलने लगे वो, हालांकि उनको नहीं जलना चाहिए था, वो तो छोटे थे इसीलिए प्यार करते थे ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, उनको नहीं समझ होती, उनको नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कैसे खाना खाना है, कहाँ जाना है, तो उनको बड़ों की जरूरत होती है। अब जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, उन्होंने प्लानिंग की, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे अब्बू हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे दूर यूसुफ को ले जाएं। जब हम यूसुफ को दूर ले जाएंगे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मैं कर रही हूँ, उनके भाइयों ने कहा तो जो हमारे वालिद हैं वो हमसे प्यार करेंगे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर चले जाएंगे। तो इनकी प्लानिंग कितनी गलत थी, ऐसे नहीं करना चाहिए ना सिनान छोटे बच्चों के साथ। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर बड़े जो भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तो उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बड़े भाई ने लिया, कहीं छोड़ दिया। हाँ देखिए सिनान, साफिन को ये किस्सा थोड़ा याद है लेकिन मैं थोड़ा आपको डिटेल से सुनाती हूँ। फिर क्या किया कि जो बड़े भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बू जान हम जा रहे हैं, वहाँ पर कोई फेस्टिवल है, कोई हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, हम लेके जा रहे हैं, वो बहुत मज़ा आएगा, हम यूसुफ को भी लेके जाएं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, उनको तुम नहीं ले जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम लोग खेल कूद में लग जाओ और तुम लोग अपने फ्रेंड्स में लग जाओ और फिर यूसुफ का कोई ख्याल ना करे और कोई जानवर आके यूसुफ को कोई नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई थे उन्होंने अपने वालिद से कहा नहीं नहीं अब्बू आप हम पे यकीन करें, हम इसको बिल्कुल सही लेकर आएंगे, लेकिन इनकी प्लानिंग कुछ और थी। फिर वो लेके चले गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फिर वो जब लेके चले गए तो उन्होंने कहा, अब थोड़ी रात होने लगी, फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब कुछ ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ को बिल्कुल दूर कर दें ताकि हमारे वालिद हमसे प्यार करने लगे। सिर्फ प्यार करने के चक्कर में ना, ख्याल रखने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने, एक भाई ने कहा कि हम इसको कुछ नुकसान कर देते हैं, लेकिन फिर एक भाई ने कहा नहीं नहीं हम ऐसा करते हैं, ये वाला कुआं है ना बिल्कुल गहरा था, सूखा सा था या इसमें थोड़ा बहुत पानी था, हम उसके अंदर यूसुफ को डाल देते हैं। कितनी गलत बात है। और वो पता है वो क्यों करना चाहते थे, वो इसलिए करना चाहते थे बस इसलिए कि उनको लगता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सारे भाइयों के जो छोटे भाई हैं उनको, जो उनके वालिद है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो उनके छोटे भाई यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें प्यार नहीं करते। उनके भाइयों को ऐसा लगता था कि हमारे अब्बू जो हैं, हमारे वालिद हैं, बस हम अपने छोटे भाई को यूसुफ को कहीं हम लोग छुपा दें, कहीं गिरा दें, तो फिर क्या होगा, यूसुफ तो सामने होंगे नहीं, फिर हमारे अब्बू हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। तो ये गलत बात थी ना, आपके पेरेंट्स होते हैं वो तो सबसे प्यार करते हैं। बस इनको इस चीज़ का डर था। अब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया कुएं में और वो चले गए। अच्छा, कुएं में डालने से पहले पता है इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे अब्बू ने कहा था कि तुम अगर यूसुफ का ख्याल नहीं रखोगे तो इसको कोई जानवर नुकसान पहुँचा देगा। उनके दिमाग में ये बात आ गई, आइडिया आ गया। इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो था वो उतार लिया और उस पर क्या किया, किसी जानवर को मार के उसका ब्लड लगा के और फिर रोते धोते अपने अब्बू के पास चले गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, वो अल्लाह के नबी थे, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना सिनान, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा यूसुफ कहाँ है, तो इनके जो भाई थे वो जूटी मूटी कर रोना शुरू हो गए कि हम क्या करें, हमने तो बहुत ख्याल किया, हमने तो यूसुफ को बिठाया एक तरफ, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई जानवर आ गया, भेड़िया था, कौन था, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया, ये कर दिया, भेड़िया ले गया, कहानियाँ करने लगे वो। हज़रत
याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, उनको तो पता लग गया ये कोई प्लानिंग है, ये मेरे जो बेटे हैं ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने वो बहुत रोए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, इतना रोए वो अल्लाह से दुआ करते थे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो भी ज़ाहिर है कुएँ के अंदर थे, वो भी रोते थे, छोटे बच्चे थे, वो अपनी हेल्प ही नहीं कर सकते थे। वो जो बंदर चले गए वो कैसे निकले, तक गहरा होता है ना, तो वो कैसे निकल सकते थे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बोला कि सच बता दो, लेकिन इनको बेटों ने नहीं बताया। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। फिर वहाँ जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस कुएँ में थे तो वो बेचारे पड़े हुए थे, रात हो गई, अंधेरा हो गया, वो कुएँ के अंदर थे। फिर अल्लाह का करना कि वहाँ से कुछ लोग थे वो गुजरे थे, सही कुछ लोग थे, वो जगह तो सुनसान थी, उन्होंने देखा नहीं, वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कुआं देखा, एक कुआं है। फिर उनमें से किसी ने कहा कि यार बहुत प्यास लग रही है, कुएं में ना छोटी सी बाल्टी नहीं होती है वो उसके अंदर डालो और पानी निकालो उसके अंदर से, तो हमें प्यास लग रही है। तो अब हाँ, तो वो देखो वो अल्लाह की तरफ से था ना, वो आए, सारे लोग आए। फिर उन्होंने वो मिस्र के जो लोग थे वो आए ना, उन्होंने कहा हम निकालते हैं। वो जैसे ही उन्होंने बाल्टी डाली, वो रस्सी थी लंबी सी, वो बाल्टी डाली पानी के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने क्या किया, बाल्टी को पकड़ लिया। जैसे बाल्टी को पकड़ा, जैसे ही वो रस्सी खींचते गए, वो समझे पानी भर के आया है। जब बाहर निकले तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, छोटे से थे, वो बाहर निकल आए, तो सब के सब वो जो लोग थे वो हैरान रह गए, ये अंदर कहाँ से आए। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे ना, अल्लाह ने उनको इतना प्यारा बनाया हुआ था, उनके बाल, उनकी आँखें, उनका कलर, उनकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। तो वो जो लोग थे वो देख के कहने लगे, वाह इतना प्यारा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, और हम तो अब इसको बेच देंगे, हम इसको, हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो लोग भी ये कहने लगे। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो वो छोटे से बच्चे थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता किसने निकाला, क्या किया, कहाँ जाएंगे, वो तो बोल भी नहीं सकते थे, वो तो बता भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो गए मिस्र लेके गए और वहाँ पर इन्होंने किसी को बेच दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच कर थोड़े से पैसे ले लिए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता है वो किसने लिया, मिस्र के जो बादशाह का जो होता है ना वज़ीर होता है, उसने ले लिया, उसने ख़रीद लिया, उसने कहा कि मुझे दे दो। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक बहुत ही बड़ा सा घर था उसमें रहने लगे, उन्होंने उनको अपना बेटा बना लिया, वहाँ रहने लगे। फिर हम चलते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, जिन्होंने इतना सब्र किया, वो बहुत रोते थे, वो इतना रोते थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, क्योंकि वो प्यार करते थे और उनको पता था कि मेरे जो बड़े बेटे हैं उन्होंने कुछ ज़रूर गलत किया है। फिर जो इनके बड़े बेटे थे उन्होंने क्या प्लानिंग की थी, हम यूसुफ़ को दूर कर देंगे और हमारे अब्बू हमसे प्यार करेंगे, लेकिन इनकी प्लानिंग बिल्कुल ही फेल हो गई, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पता क्या किया, याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बड़ों बेटों से ना नफरत करने लगे। नहीं, नफरत तो उन्होंने नहीं की, लेकिन वो उनसे नाराज रहते थे, नबी कभी भी नफरत नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने बड़े बेटों से नाराज़ होने लगे और हर वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद में रोते थे। तो फिर इनके बड़े बेटे थे ना वो भी बहुत तंग आ गए थे, वो पता क्या बोलते थे कि ये क्या अब्बू, आप हर वक्त यूसुफ़ को याद करते हो, आपको हमारा ख्याल ही नहीं है। लेकिन कि बड़े भाइयों को ये ख्याल ही नहीं था कि हमारे अब्बू इसलिए रोते हैं, इसलिए ख्याल करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, किसी को क्या बताएंगे, इसलिए रोते थे। और ये बड़े भाई थे वो ये समझ रहे थे कि यूसुफ़ जो है वो पता नहीं कहीं दूर चले गए, कोई जानवर इनको लेके चला गया, या उनको क्या हो गया, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, है ना सिनान। वो ये समझ रहे थे कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि अल्लाह ताला ने उनको कहाँ भेज दिया, वो कहाँ चले गए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो अब्बू थे बड़े घर में चले गए, वहाँ पर अल्लाह ने उनको भेज दिया। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो अब्बू थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इतना रोते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि उनके जो आंखों की रोशनी थी ना वो चली गई, वो फिर नहीं देख पाते थे, वो सिर्फ दुआ करते थे, अल्लाह से सब्र करते थे, अल्लाह से सब्र की दुआ मांगते थे, और उनको यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला मुझे यूसुफ़ से ज़रूर मिलाएगा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़रूर मिलाएगा। वो हम बाद में सुनाएंगे, अभी हमने जो किस्सा सुनाया वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का था, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किस तरह से अपने अब्बू से जुदा हुए, इनके भाइयों ने किस तरह से प्लानिंग करके
उनको अपने अब्बू से जुदा किया ताकि हमारे जो अब्बू हैं वो हमसे मोहब्बत करें, वो यूसुफ से मोहब्बत ना करें। देखिए कितनी गलत प्लानिंग थी, लेकिन ये थी बंदे की प्लानिंग, और अल्लाह की प्लानिंग क्या थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सा मर्तबा दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, दानाई दी, और इनके जो भाई थे उनके साथ क्या हुआ, वो किस तरह से ग़ुलाम बने, किस तरह से इल्ज़ाम लगे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह तक कैसे पहुँचे, ये किस्सा हम आपको किसी और दिन सुनाएंगे। तो आज के प्रोग्राम आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम नेकी की बातें करते हैं, नेकियां बांटते हैं, और आप लोग भी सुनते हैं तो आप भी नेकियां बांटते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, जितनी आप नेकियां करेंगे आपको उसका 70 गुना ज़्यादा ही सवाब मिलेगा। तो हमें दीजिए आप इजाज़त, और लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट जो है एक दिन की नेकी वो ज़रूर देखें आप। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ, मैं हूँ नीलम मुनीर खान। रमज़ान मुबारक, उम्मीद करती हूँ कि आप सब के रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। मेरे साथ आज रशीदा बेगम हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है आपकी? इंशाल्लाह मेरा तबीयत सही है। रशीदा बेगम के बारे में हमें पता चला कि इनके शौहर नहीं हैं, 5 बच्चे हैं इनके माशाल्लाह से, 2 तो साथ हैं और बाहर भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। तो बहुत प्यारा सा घर है, एक अच्छी फैमिली है, खुशहाल घराना है। चूँकि बेवा हैं तो काम खुद ही करती हैं जी। आप क्या काम करती हैं? मैं कपड़े में नथ लगाती हूँ। अच्छा, तो वो आप रोज़ाना घर में जागती हैं? हाँ, रोजाना किसी घर से बच्चा ने लेके आती है, मैं घर में बनाती हूँ। इस जमीन किसके कपड़े तैयार होते हैं, जो बहुत सारी खवातीन काम कर रही हैं इस जो में? जो कपड़े में, जो क्या नाम है, महंगे महंगे कपड़े में जो नथ होते हैं ना, कपड़े में जो नथ लगाती है वही काम करती हूँ। तो मतलब ये वो वाले कपड़े होते हैं जो मोहल्ले में कोई शादी हो रही है उनके होते हैं? वही, बाहर से आती है। अच्छा, बाहर से। हाँ। तो कितना टाइम लगता है उसे तैयार करने में? इसमें पूरे दिन लगते हैं। एक जोड़े में पूरा दिन? हाँ, लग जाता है। पूरा जोड़ा एक दिन में तैयार हो जाता है नगों के साथ? हाँ, तैयार हो जाता है। तो आप कब से शुरू करती हैं? सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं। सुबह 8 बजे बच्चे से फिर पढ़ाई में निकाल देते, नाश्ता वगैरह करके फिर मैं काम में बैठ जाती हूँ। सब उठते हुए आसान हो रही है, फिर नमाज पढ़ते, नमाज के बाद फिर दोबारा काम में शुरू। अच्छा, और फिर कब तक? रात को 1-2 बजे तक मैंने काम करती। एक काम इससे जरूर निकालना पड़ेगी, क्या नाम है, 200 रुपये देते काफी कपड़े, 150 देते काफी, में 100 रुपये आती है, काम की बात है, काफी हल्का आते, बाहरी भी आती है, ऐसी भी आती है, इसलिए। और साथ में फिर जाहिर है बच्चों को देखना, खाना बनाना, खाना स्कूल की तैयार करना, वही भी करना पड़ता है। तो अपने लिए आपको क्या वक्त मिलता है कि अपने लिए भी कुछ जोड़ा तैयार कर लें, ईद के लिए, बच्चों के लिए? बस अल्लाह की हुकुम होगा तो फिर हमारे लिए भी हो जाएगी, नसीब की बात है सबका। मैं बच्चों की बस ये चाहती हूँ, मैं मेरे बच्चा को पूरा कर सकता हूँ, मैं हमारी फिक्र नहीं करती, छोटा तो बच्चा है उसका फिक्र करती हूँ। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। हाँ। तो जब आपके शौहर का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन,
तो फिर आपके घर वाले खानदान वाले कौन आपका ख्याल रखता है, कोई होता है आपके साथ? हमारे भाई बहन चार है, इनसे दो बहने दो भाई है, फिर एक भाई थे पहले तो देखती है अभी देखने सारे, क्यों वो बुड्ढा हो गया, उसका फैमिली बड़ा हो गया, फिर महंगाई हर चीज महंगाई में, इसलिए तो दो तीन महीने हो रहे मुझे कुछ मदद करने लिए कर नहीं सकता। पहले देखती हूँ, क्यों झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलूंगी, ईमानदार से बात है, रमजान के महीने। आपको पता है सच बोलना भी जो है हर एक को नसीब नहीं होता। नहीं झूठ नहीं बोलूंगी, ईमानदार से बोलूंगी, जो बोलूंगी ईमानदार से। जी यही तो कह रही हूँ कि आपको पता है कितनी हसीन बात है, सबसे अच्छा ये लगा कि जो हालात हैं ये सच, इसमें क्या बंदा झूठ बोले, दिखावा नहीं, दिखावा तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। और इस इलाके का क्या नाम है इसका? अली बशा गुट कहते हैं। क्या कहते हैं? अली बशा। हाँ। अच्छा ठीक है, इब्राहिम हैदरी है ना? इब्राहिम हैदरी। हाँ। हाँ। तो ये इलाका है, यहाँ पे मेरी प्यारी सी बहन है और इनके बच्चे हैं और इनके हालात आपके सामने हैं। रमज़ान है और मुझे बाबर कहते हुए भी खुद भी फील होता है, लेकिन बहुत हिम्मत में ये लोग, हम ऐसे हालात का सामना जो है ना हर एक के बस की बात नहीं है। और ये मैं आपको दिल से ये बात कह रही हूँ कि आप इतनी मजबूत हैं कि आप इतने मुश्किल हालात का आप सामना कर रहे हैं, तो लोग तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत नया, बस मैं पांच नमाज में अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, क्या नाम है, मैं इज्जत से किसी की जिल्लत में लेके ली जाना, मैं इज्जत से घर में मारा जो हुक्म होगा वो हमारे घर में खुद आ जाए, अल्लाह ताला खुद पहुँचा देगी। बेशक, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बेशक। तो आप कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? अल्लाह ताला ने खुद मेरे घर में पहुँचा दिया है ना। बिल्कुल सही। मैं ड्रामा वगैरह में देखा, शौक से देखा था, लेकिन अब यकीन नहीं आ रहा मुझे आप मेरे सामने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, सच्ची बात बताऊं, मैं भी इसीलिए आई हूं ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं, और ये जो हम बैठ के बात कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंचा सकें ताकि उनको पता लगे कि इस हालात में भी लोग गुजारा कर रहे हैं। और अगर लोग आपकी या किसी की भी किसी किस्म की मदद करना चाहें तो उनको पता चले कि सफेद पोश लोग हैं, अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहें तो कर दें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा, और मैं दिल से पूरे दिल से आई हूँ इंशाल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी उम्र के लंबे करे आमीन, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपको सेहत दे, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। जिस चैनल की तरफ से हमारा, उसका नाम प्ले एंटरटेनमेंट है, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ कैश है और ईद के जोड़े हैं, चाहे तो आप रमजान में बनवा लीजिएगा अपने लिए, तोहफा है ये और राशन है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह की रजा में राजी होना, इस पे यकीन कर लेना, ये एक बहुत बड़ा सुकून और इत्मीनान होता है। और यकीन जाने कि जिन हालात में ये लोग गुजारा कर रहे हैं उसमें ये गुजारा कर रहे हैं, तो साथ में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मुझे और मेरी बहन को और इन तमाम प्यारे बच्चों को दीजिए इजाज़त, हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपस में थोड़ी सी और बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।